अकबर ने बीकानेर के सामंत पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया और बोला, देखो देखो पृथ्वीराज, क्या खबर है? महाराणा प्रताप अब हमारे अधीन होने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। पृथ्वीराज राठौड़ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, राणा जी, ये बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूरज बादलों के पीछे छुपेगा? क्या चातक पक्षी धरती का पानी पिएगा? क्या बलवान हाथी कुत्तों के बीच में जिएगा? क्या अब खून से रंगी तलवारें म्यान के अंदर चली जाएगी? राणा जी, क्या राजपुतानी जी विधवा हो जाएगी? हे महाराणा, आपकी सौगंध, ये बात सुनकर मेरी आत्मा कांप गई है। कृपया आप बताएं, ये बात कहां तक सही है? पृथ्वीराज राठौड़ का ये पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें गुस्से से लाल हो गई और गर्ज उठे, महाराणा, बादलों में वो काबिलियत कहां जो सूरज को रोक सके, शेर की मार सह सके? ऐसे सियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए अभी तक चातक की चोंच बनी ही नहीं, और कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की बात अभी तक हमने सुनी नहीं। भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, पर मेवाड़ जाने नहीं दूंगा। उस अकबर के सामने नहीं झुकूंगा। कह दो अकबर से, ये राणा नहीं झुकेगा। वचन के खातिर जान लुटा दी, धर्म के खातिर शीश कटे, मातृभूमि की रक्षा के बिना शीश के रणखेत लड़े। इतिहास में चर्चे हैं हमारे, लिखी गौरव गाथा के, धर्म शास्त्र कहते हैं क्षत्रिय पूत विधाता के। राणा सांगा से वीर हम हैं, उस कुंभा की तस्वीर हमी, हमने ही है धर्म बचाया, वो हटी चौहान हमीर हमी। मार दिया जिसने गौरी को, वो पृथ्वी राज खिलाड़ी हैं, नहीं झुका अकबर के सामने, हम राणा वो मेवाड़ी हैं। वचन के खातिर प्राण त्यागे, वो बाबूजी राठौड़ हैं हम, देश धर्म की ठोर हैं, वो दुर्गादास राठौड़ हैं हम। गोरा बादल अलबेले हैं हम गोरक्षा के चेले हैं, आला उदल से वीर हमी, हमने ही है दुश्मन धकेले। विक्रम संवत लिखने वाले वीर विक्रमादित्य हैं हम, मिहिर बोज से महाबली इस भारत का अतीत हैं हम। इन गौरवशाली इतिहासों के असली वारिसदार हैं हम, त्याग और बलिदान है इतने, इज्जत के हकदार हैं हम। इतिहास चुराए नहीं हमने, इतिहास बनाए हैं हमने, लाख शीश कटे हैं रण में, तभी क्षत्रिय कहलाए हैं हम।